लोग इस स्थान पर घूमने के लिए खास तरह आए हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराना मंदिर है। यहाँ जगह पहले बहुत ज़्यादा अच्छा मेला लगता था, अब भी लगता है, मगर जगह अब कम हो गई क्योंकि सब यहाँ जगह पूजा पाठ होता है और काफ़ी लोग यहाँ घूमने भी आते हैं, दूर दूर से आते हैं। और ये पूजा वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग, गुड मॉर्निंग। तो गाइस सुबह के बज चुके हैं 7:30। तो गाइस आज की ब्लॉग से बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि मैं आज अपने दिन का पूरा रूटीन दिखाऊंगा कि मैं कैसे आज क्या करता हूं आज। तो गाइस हम लोग आज पूरे रूटीन के बारे में जानेंगे अपने कि मैं क्या क्या कौन सा काम आज करूँगा दिन में। तो गाइस देखते रहिए ब्लॉग को। और छत पे आया था धूप लेने के लिए, धूप बहुत अच्छी हुई है। ये मेरा छत पे रहा है, आ गया हूँ। और ये अंकुश है, अंकुश इधर आओ, अंकुश इधर आओ, बोलो हेलो, बोलो हेलो, हाय हेलो, बोले हाय, बोलो हाय नहीं। अरे ये मोदी रहा, बोलो हाय, बोलो हाय, बोलो हाय नहीं बोलते, जब हम कह रहे हैं बोलो हाय तो बोलो हाय बस, बोलो हाय, फिर वही समझ रहे हैं, बोलो हाय में पूरा बोलना है। तो आज हम लोग कुछ काम करके जाऊंगा और वहाँ दिखाऊंगा, बस थोड़ी सी मार्केट है वहाँ जाऊंगा और दिखाऊंगा, कुछ काम है। और आज मैं पूरा दिन का रूटीन अपने दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग ब्लॉग बने रहिएगा। अब हम लोग चल दिए हैं, कपड़ा सिलाना है, बंगला और पैंट है। और ये देवीलाल और सचिन गाड़ी चला रहा है, आगे से हम लोग चल रहे हैं और वहाँ जगह कपड़ा देंगे। और कुछ और काम है और काम को दिखाएंगे। ये देवीलाल एकदम हीरो लग रहा है, एकदम तगड़े से। अब हम लोग चलेंगे कुछ काम और मार्केट में, जो कि वहाँ पहुँचने के बाद दिखाएँगे और कपड़ा देना है सिलने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे कैंटीन। गाँव का नज़ारा आप लोगों ने देखा अभी सामने, काफ़ी अच्छा हरियाली है। एक ब्लॉग मैंने डाल भी दिया हूँ अपने खेत का। और देख रहे हो इस समय पर देवीलाल फार्म में है, यानी सचिन आगे तुम देखो, ठीक, देवीलाल एकदम जमा लिए हैं चश्मा लगा के। और हम लोग चल रहे हैं आगे और दिखाते हैं मेरा गांव कैसा है। You're too far away, you're too far away to help me now. So I'm counting down the days, counting down the days. यहाँ कपड़ा देंगे सिलने के लिए, एक रास्ते में दुकान है, बहुत काफ़ी अच्छी है, लोग बता रहे हैं। यहाँ पे कपड़ा दे रहा हूँ सिलने के लिए और बाकी मार्केट में कुछ काम है वहाँ चलते हैं फिर। कपड़े का तार दे दिए वहाँ, जगह हो गया सब। हम लोग चल रहे हैं मार्केट, मार्केट का काम करेंगे कंप्लीट, फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। तो वीडियो मार्केट वाली रोड पे आ गए हैं, काफ़ी पतला रोड है यार ये वाली, अंदर के गली में है। और हम लोग सीधे मेन रोड पे आएंगे, मतलब कि जो लंबी है, बाकी मेन रोड तो यहाँ वैसे सब बराबर है। अब हम लोग आएंगे यहाँ पे का full speed now, full speed.
counting down the days to get out. I've been looking for a way from this town. And you're too far away to help me now. खड़ा लेने के लिए क्योंकि घर में भागवत है और उसके लिए घड़ा की जरूरत पड़ रही है, तो हम लोग खड़ा के लिए आए हैं और चलते हैं दिखाते हैं कि घड़ा का मन कैसे रहा है। ये बना रहे हैं यहाँ से, हम लोग को खड़ा लेना है कुछ और उसके बाद थोड़ा और घूमेंगे। देख सकते हो कितना घड़ा ये बना के रखे हैं। ये बहुत जल्दी बना बाहर निकाल रहे हैं हम लोगों के लिए जो हम लोगों को चाहिए घड़ा, और ये वाला घड़ा नहीं, इससे छोटा चाहिए हम लोगों को, और यहाँ ये निकाल रहे हैं। सो गाइस फाइनली हम लोगों का घड़ा वाला काम हो गया और हम लोग थोड़ा सा घूमने के लिए आगे निकल रहे हैं, वहाँ घूमेंगे उसके बाद फिर खड़ा यहाँ से लेंगे और इसके बाद निकलेंगे घर के लिए। और थोड़ा इनको बाल कटाना है, बाल कटाएगा ये, और उसके बाद हम लोग घर के लिए फिर निकलेंगे। थोड़ा घूम लेते हैं और दिखाते हैं कैसी जगह है यहाँ। जगह हमारे घर से ये 5 किलोमीटर दूर पर पड़ता है और हम लोग चल रहे हैं आगे घूमेंगे थोड़ा सा। यहाँ पहले तो आते थे मगर जब से यहाँ नहीं रह रहे, नहीं आ पा रहे तो चलते हैं आगे। घूमने के लिए खास तरह आए हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराना मंदिर है। यहाँ जगह पहले बहुत ज़्यादा अच्छा मेला लगता था, अब भी लगता है मगर जगह अब कम हो गई क्योंकि सब जोतने बोतने लगे और काफ़ी जगह कम हो गई। और ये मंदिर रहे, यहाँ जगह ये मंदिर में है, यहाँ जगह पूजा पाठ होता है और काफ़ी लोग यहाँ घूमने भी आते हैं, दूर दूर से आते हैं। और ये पुजारी जी यहाँ के रहने वाले हैं। अच्छा ये बताइए मंदिर का यहाँ मेला कब कब लगता है? लागत जो आते हैं हम क्या कहते हैं चैत में, चैत में लगता है। और चैत में का आषाढ़, आषाढ़ में। हाँ अच्छा, कितने दिन तक मेला लगता है? एक महीना, एक महीने पूरा यहाँ मेला लगता है। हाँ। बाकी यहाँ हम लोग आते थे शनिवार को ऐसे, क्योंकि काली माता का मंदिर है यहाँ जगह। हाँ। और काफ़ी अच्छा लगता है मेला, ये बगल में पहाड़ है, टूरिस्ट भी थोड़ा काम करता है और बगल अगल बगल में खेत है। काफ़ी जगह थी पहले मेला का लेकिन अब थोड़ा खेती होने लगी, जगह कम हो गई। और ये लोग हैं काफ़ी यहाँ अच्छा व्यवस्थित, साफ सफाई में एक नंबर। सब कोई चंदन लगवाने लगा, ये चंदन लग गया, कैसा लग रहा है बताइएगा आप लोग। और ये सब कोई लगवा ले रहे हैं चंदन, दर्शन कर लिए और फिर हम लोग आगे घूम रहे हैं। सो फाइनली हम लोग यहाँ से घूम के निकल रहे हैं वापस और वहाँ जगह घड़ा लेना है, उसके बाद बाल कटवाएगा ये, उसके बाद हम लोग चलते हैं। देखो ये बाल कटवा लिया देवीलाल, हम लोग थोड़ा सा नाश्ता करेंगे उसके बाद चलेंगे यहाँ जगह से, यहीं खा लेते हैं, यहीं जगह कर लो यार। अब हम लोग गाड़ी को साइड में लगाते हैं और फिर चलते हैं ना। फाइनली हम लोग घर पे आ गए हैं मार्केट करके, ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर से मिलते हैं हम लोग डेली रूटीन के नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।